सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को दिव्य शिक्षा देकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं, सो परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। क्योंकि आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहजयोगी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए विशेष बात देख रहे थे। बाबा देख रहे हैं हम बच्चों को कि हम सभी आत्माएं विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। एक ही कार्य के निमित्त लक्ष्य भी सभी के 100 परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन 100 परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे 100 परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुक्त होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए हम बच्चों को पहले हिम्मत लानी है। जैसे एक पत्थर उठाना है, पहले मैं उठा सकता हूं, उसके बाद उमंग उत्साह ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पहले हिम्मत, फिर उमंग उत्साह अपने आप आ जाएगा। क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। यह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति द्वारा, दूसरा वाइब्रेशन द्वारा और तीसरा वाणी द्वारा। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं। बाबा कहते हैं तब दिल पसंद सफलता होती है, नहीं तो सेवा होती है। बाबा कहते हैं दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है। यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर की आत्मा में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें क्या हो रहा है। सुनी सुनाई बातें अभी देखने में परिवर्तन में बदल रही है। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप पर कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो
तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद। सफलता का आधार सो परिवर्तन की भी कमी है अभी। और सो परिवर्तन की कमी क्यों है? बाबा कह रहे हैं इसका मूल आधार एक विशेष शक्ति कमी है। वो है विशेष शक्ति जो है महसूसता की शक्ति। बाबा कहते हैं कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। बाबा कहते हैं यहां, बाबा कह रहे हैं पहला परिवर्तन मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हैं हां मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है। बाबा कहते हैं महसूसता अनुभव कराती है तभी परिवर्तन होता है, और जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं। जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी हम बन जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। जब तक ये महसूस नहीं करेंगे तब तक वो मंगोत्साह की चाल नहीं रहती। वायुमंडल के प्रभाव थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा लेकिन सदाकाल के नहीं होगा, क्योंकि महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। अगर महसूसता की शक्ति नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं सो परिवर्तन में भी जब तक महसूसता शक्ति नहीं है तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाबा कह रहे परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सो स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, सो स्थिति में आत्मा हूं, ये अनुभव करना है। बाबा कहते हैं तब हमें महसूसता की शक्ति महसूस होगी। महसूसता अपने सो उन्नति का आधार है, तो सो परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकते। तो विश्व परिवर्तन करना है तो सो परिवर्तन चाहिए, और सो परिवर्तन के लिए महसूसता की शक्ति को अपनानी है, धारणा करनी है। भागते महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर देते हैं। चतुराई वाले, जो चतुराई वाले होते हैं महसूसता वो, लेकिन दिल से होनी चाहिए। तीसरे प्रकार की महसूसता मन मानता है कि ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपनी महारथी सिद्धि करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते बाप भी अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप में बच्चों को चलाते। जबकि जानते हैं बाबा, फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चा कर्म का, मन के संकल्प का खाता हर समय स्पष्ट रहना चाहिए। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट है। इसलिए कहते हैं मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट ही है। तो स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न अर्थात मैं आत्मा नूरे रत्न नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकता। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मणि मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, यह महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो।
ऐसे महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करेंगे। सिर्फ नॉलेज की रीति से वर्णन नहीं करो बाबा कहते, महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ। तो महसूसता की शक्ति से बढ़ाने से पूरी सृष्टि विश्व को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा आज वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सेवा की स्टेज पर समानी की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, उन बातों को स्वयं में संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। बाबा ने पूरा ज्ञान का सार बता दिए क्या करना है हमें। स्लोगन में बाबा कह रहे विस्तार को ना देख सार को देखने वास स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। आज की अव्यक्त मुरली बड़ी ही निराली, तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर चेहरे पर मुस्कान रखनी है। दिन भर बाबा को याद करते हुए महसूस करना है बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।